गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़े थे त्रिकोण मैत्री क्या है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का 8.1 चैप्टर का त्रिकोण मैत्री का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं। कहते हैं त्रिभुज एबीसी में, कहता है त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसका ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है बी समकोण है। ए बी इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, बी और सी 7 सेंटीमीटर। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसका इसका और इसका इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए मेरे पास दिया है, लिखेंगे, दिया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मेरे पास तो ए सी नहीं है, ये क्या है, ये मेरा कर्ण है, मेरे पास कर्ण नहीं है, तो लिखेंगे ए सी इक्वल टू, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है मेरा, कर्ण तो इसको बोलते हैं, कर्ण क्या है ए और सी, क्या ज्ञात करना है ए और सी ज्ञात करना है। लंब क्या है मेरा, लंब है बी सी जो कि दिया हुआ मेरा 7 सेंटीमीटर, तो लिखिए 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी है आधार मेरा जो कि मेरा दिया है 24 सेंटीमीटर, तो लिखिए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ए सी ज्ञात कर रहा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू, ये स्क्वायर में है, जब स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, क्या हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। आगे देखिए ए सी इक्वल टू, अब ये दोनों को एड करेंगे तो कितना होगा 625, 625, 625 का रूट क्या होता है 25, कितना होता है 25 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। मेरा ए सी निकला, कर निकला 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए कहता है साइन, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इसके अंदर में साइन ए और कोस ये निकालना है, साइन ए और कोस ए, साइन ए कोस ए तो पिछले क्लास में फॉर्मूला बताए थे, एक ट्रिक था लाल बटा कक्का, क्या था लाल बटा कक्का, जिसमें ये था साइन, ए बाई के था साइन, ए बाई के था कोस और ए बाई ए था टेन। देखिए साइन ए क्या होगा फॉर्मूला, ए बाई के मतलब लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिखिए लंब बटा कर्ण। अब कोस का फॉर्मूला क्या होगा, ए बाई के मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब जब हम पढ़ रहे थे, जब फॉर्मूला याद कर रहे थे, तो हम देख रहे थे अधिकतर साइन थीटा लिखा हुआ था, कोस थीटा लिखा हुआ था, उसी प्रकार यहाँ क्या है कि साइन मतलब थीटा के स्थान पे क्या आ गया, ए आ गया, तो ए आ गया, जब थीटा रहता तो देखिए ए आ गया, तो ए आ गया तो हम इसे क्या मानेंगे थीटा, ये मेरा थीटा हो गया। अब देखिए एक बात हमेशा आप देखिएगा, इसके साथ जो हमारा कोण होता है ना उसके मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं साइन ए, तो ये मेरा कोण है, ये कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं लंब, ये मेरा हो गया कर्ण और ये मेरा हो गया आधार। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 7/25, क्या लिखेंगे 7/25। अब देखिए कोस ए, तो कोस ए का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कितना होगा 24/25, तो लिखते हैं 24/25। अब देखिए अब दूसरा क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी,
तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और बस का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये भी हो गया। अब देखिए क्या थीटा के स्थान पे क्या है? सी लिखा हुआ। हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। अब देखिए ये मेरा ये है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। यहाँ क्या कह रहा है? थीटा के स्थान पे सी दिया हुआ है, ये मेरा थीटा हो गया, ठीक है सी। अब ये हम क्या बताए थे? जिस कोण का बात होता है ना उसके सामने वाले को लंब कहते हैं। ये सी इसका बात हो रहा है तो इसके सामने वाले को ये क्या कहेंगे? हम लंब कहेंगे। और जो कर्ण होता है वो तो निश्चित है कि कर्ण ही रहेगा। और ये आपका हो गया आधार, तो ये बचा दिया आधार हो गया। अब देखिए ये दिया है मैंने 24 सेंटीमीटर, और ये दिया है मैंने 25 सेंटीमीटर, और ये दिया है मेरा 7 सेंटीमीटर। तब देखते हैं साइन सी, इसके सामने वाले लंब है, तो यहाँ साइन का होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण तो क्या हो जाएगा? 24/25, तो लिखिए 24/25। अब कोस का आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार ये है और कर्ण ये है, तो कितना हो जाएगा? 7/25, 7/25, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब आप लोग आगे और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।